जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र कल हमने सुना था, कैसे पूज्य उषा दीदी को दो सखियों के दर्शन हुए, सांकरी खोर की लीला का दर्शन हुआ। पूजनीय उषा जी ने सारी लीला अपने एकांत में देखी और आनंद उल्लास में भर मग्न हो गई। उनकी गाथा को एकता में बांध पाना अत्यंत कठिन है। अनुभूतियों का क्रम गिना जा सकता है, परंतु जिसके जीवन का श्वास प्रश्वास, प्रत्येक क्रिया प्रत्येक अनुबंध तथा संपूर्ण जीवन ही श्यामा श्याम के श्री चरणों में समर्पित हो, उसकी बरसती अनवरत कृपा अनुभूतियों से अनुस्यूत हो, अनुपूरित हो, आप्लावित हो, उसकी गणना कहाँ तक करे कोई। उनका जीवन असाधारण रहा है। भाव का अनुभूतिपूर्ण स्वरूप जो पूजनीय उषा जी के जीवन में दिखता रहा तथा समय समय पर सर्वसाधारण के लिए भी अनुभव गम्य होता रहा, अन्यत्र इस प्रकार की स्थिति असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। कितने महज जनों का इस प्रकार का चरित्र हमारे देखने में आया है, हम स्वयं इसके साक्षी हैं। स्वयं से पूछकर तो देखें। इसी रस स्थिति की श्यामा श्याम की श्रृंगार सुधा सारिणी की बात कह रही हैं, दिखलाने की बात कह रही हैं। उसके लिए मन का ग्रहणशील होना अनिवार्य है। श्रृंगार सुना दूंगी, दिखाऊं कैसे, दिख भी सकता है पर किंतु से अवरुद्ध मार्ग कुछ भी देखने और दिखने नहीं देता। फिर भी अकारण बंधु परम प्रिय स्वामी अपनी अहेतु की कृपा से दूर बैठों को भी मानसिक नेत्रों से सब दिखला सकते हैं, दिखला देते हैं। वे तनिक सी कृपा कर दें, अधिक नहीं तो कल्पना भाव में श्रृंगार मंडित श्रृंगार सज्जित युगल दिख सकते हैं। यह तो उनकी कृपा और अपने मन के ग्रहणशील होने पर निर्भर करता है। यों तो वे कभी भी दूर नहीं हैं, सदा सदा पास हैं, अत्यंत पास हैं, जहाँ चाहे जब चाहे दिख सकते हैं। इन्हीं नेत्रों को भी मानसिक नेत्रों को ही नहीं, इन्हीं नेत्रों को प्रत्यक्ष, बहुत प्रत्यक्ष, इतने प्रत्यक्ष कि हम उनसे कह सकें, हम उनकी सुन सकें। वे सर्वव्यापक हैं, कण कण में व्याप्त हैं। माधुर्य का वह अथाह रस सिंधु अपने प्रेमियों में सदा सदा लहराता रहता है, हिलोरें लेता रहता है। अपने प्रेमियों के लिए प्रेम रिझवार रसिक सुंदर प्रकट होकर उनकी भावनाओं को संभालते हैं, सहलाते हैं। वे मनोमनोज्ञ तल्पशायिनम है ना। श्रृंगार की बात श्रृंगार रसराज के बिना हो नहीं सकती। सचमुच श्रृंगार रसाकुला परम श्रृंगार में ही यह सुंदरी किशोरियाँ यहीं तो अपने को हार गईं, लुटा बैठीं। जहाँ श्रृंगार की लुभावनी सौरभ है, वहीं श्रृंगार रस के परम लोभी मधुकर यह सांवर किशोर हैं। बस फिर श्रृंगार श्रृंगारिका श्रृंगारिणी और अन्य श्रृंगारी यह श्रृंगार संकुलित किशोर प्रियतम, जो श्रृंगार इनमें श्रृंगार मद का संचार करके इन्हें, हाँ इन्हीं श्रृंगार पोषिता श्रृंगार तोषिता कुमारियों को आकुल व्याकुल कर घर घाट से खो, बस श्रृंगार के उस अमीय निधान में ही स्थिर हैं वे। कैसी है यह स्थिरता, अत्यंत अधिक चपलता से पूजित इस अटपटी स्थली कि सभी बातें विचित्र हैं। स्थिरता का चपलता से पूजित होना और चपलता का स्थिरता द्वारा सीवित होना, दूर से देख लता झुरमुट में से देख रही थी कुछ सखियाँ एक सुंदर स्वच्छ रमणीय निकुंज में, श्यामल नीरद की तरल चपलता में, स्थिर नित्य चपला की स्थिर रूप राशि। वे विस्मित चकित हो गईं, परस्पर कहने लगीं, सखी कभी देखना तो क्या, सुना भी न था। जलद मंडल में विद्युत स्थिर हो तभी तो विद्युत को चपला कहते हैं। अरे मेरी बीर, यह तो क्षण को भी स्थिर नहीं देखी सुनी, पर आज आज यह अनहोनी कैसे हो रही है। सभी विमुग्ध थीं, चुप रहीं, देखती रहीं। एक तनिक स्वस्थ हो बोली, अरे बहनों, पगली हो तुम जड़ प्रकृति के पाश में बंधी, नियमों की दृढ़ श्रृंखला में जकड़ी नभ दामिनी, और मेघ की बात से इन अपने नवीन नीरज सुंदर और उनके अत्यंत रसमय हृदय स्थल में मंडिता अपनी सुकुमारी किशोरी की तुलना कर रही हो। अरे सब नियमों का अतिक्रमण कर यह रस बावरे रस रंग तरंगी युगल, ओह
इनके लीला विहार लीला विलास को विराम कहाँ, वहाँ इति का प्रवेश ही नहीं है री। प्रिया प्रियतम की निरंतर सन्निधि में पूज्या उषा जी की मनस्थिति का अता पता कौन पा सकता है। पा भी ले तो अपने स्तर से ही मूल्यांकन कर सकेगा। उनकी अनुभूति की गहराई तक पहुँचने वाले बिरले ही उस था तक पहुँच आस्वादन कर सकेंगे। उन बिरले जनों में एक अन्य श्रेणी को स्वीकार करना होगा, जहाँ अनुभूति की अभिव्यक्ति स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है। उनकी अनुभूति की गहराई तक पहुँचने वाले बिरले ही उस था तक पहुँच आस्वादन कर सकेंगे। उन बिरले जनों में एक अन्य श्रेणी को स्वीकार करना होगा, जहाँ अनुभूति की अभिव्यक्ति स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है। उनका उसे अत्यंत गोपनीय रखने का भरसक प्रयास रहता है। उनकी चाल ढाल रहन सहन उनके हाव भाव नेत्रों में स्थायी रूप से ठहरी प्रिया प्रियतम की रूप माधुरी लीला माधुरी तथा प्रिया प्रियतम की सन्निधि पा उनकी रसमयी दशा सभी कुछ उनके जीवन में सहज ओतप्रोत रहता है। कभी कभी रस समय पाकर कभी कभी समय पाकर प्रकट होता है। लीलाओं की अनुभूति तथा उनमें अभिनिवेश उन्हीं की सरसता में पगा उनका जीवन पग पग पर उनकी मस्ती में उनके स्वभाव में झलकता रहता है। यह सब प्रिया प्रियतम के राग में भीगा अनुराग उन्हीं के सुख हेतु समर्पित एक आदर्श जीवन तत्सुखे सुखित्वम की मर्यादा में परिपूर्ण व्यक्तित्व तथा एकमात्र अपने प्रेमास्पद के समाश्रय में समर्पित जीवन पूज्या उषा जी का सर्वदा बना रहा। अद्भुत चरित्र भगवान उनकी भक्ति भक्त और गुरु चार अलग शब्द होने पर भी एक ही वपु से सेवनीय तथा वंदनीय हैं। इनका परस्पर में इतना अधिक संबंध है कि पूर्णतः सर्व स्वतंत्र होने पर भी एक दूसरे के आश्रित हैं। भक्तों की महिमा का बखान तो कौन कर सकता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा को ही भक्ति कहा गया है। इस सब में पूर्ण निष्णात होते हैं भक्तजन। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण वृत्तियों को केंद्रित कर भगवान की सेवा में पूर्णतः लग जाता है वही भक्त है वही भक्त है। अतः प्रिया प्रियतम को अपनी संपूर्ण रागानुरागमयी भावनाओं द्वारा लाड़ लड़ाना ही भक्त का नैसर्गिक स्वभाव है, उसकी वृत्ति है। भगवान ने भक्तों को अपने से भी अधिक श्रेष्ठ मान उन्हें संपूर्ण आदर प्रदान कर भक्तों के गौरव को और बढ़ा दिया। तुलसीदास जी ने तो राम ते अधिक राम कर दासा कह इसी उक्ति की पुष्टि की है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुने।